નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 ની અંદર વિષય હિન્દી માલવજી ફોજદાર એકાંકી વિશે આપણે આગળના ક્લાસમાં જોઈ ગયા હતા દ્રશ્ય 1. હવે આપણે આજે દ્રશ્ય 2 વિશે એટલે જાણીશું અને સમજીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બધા ચોપડી એકથી ખુલી રાખજો. એમાં અંદર પાત્રો આપેલા છે. આપણે આગળ જોઈ ગયા કે આ એકાંકીની અંદર જોઈને
અહીંયા આ પેરેગ્રાફની અંદર
महाराज यशोदी राम का है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभाषा की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। अब यहाँ हम अपने गुजराती में अनुवाद करिए तो यह क्या छे कि जे पुत्र जेवी रीते एम कि तू तारी माता ने जोईने दुखी छे एवी ज रीते हूँ पण व्याकुळ छू अने हूँ पण एवा ज प्रकारे एम कि दुखी छू केम कि हूँ रात दिवस एनी चिंता में ज रहू छू कि क्यारे एम कि मारा एम कि भारत माता ना आ देश नु एम कि दुख दूर करो। महाराज कहे छे कि आ शरीर तमारू छे, तम हूँ प्रतिज्ञा लाउ छू ज्यां सुधी मारा शरीर नी अंदर प्राण छे, जान छे, जीव छे त्यां सुधी एम कि हूँ पातृभूमि एम कि मातृभूमि ने एम कि सेवा करवामां पाछळ पड़ीश नहीं। आवी रीते एनुं गुजराती छे। हवे नंबर चार छे, उदाहरण पर आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य अर्थपूर्ण बनाइए। अहींया केटला शब्दोनो उपयोग करेलो छे अने शब्दो आडा आवे छे एने आपणे व्यवस्थित रीते एम कि गोठवाना छे अने वाक्य फरीथी लखवानुं छे। तो नंबर एक छे, देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उनकी रहे। हवे आ वाक्य उलट सुलट शब्दो आपेला छे शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। नंबर दो, बात सत्य है जो उसे अवश्य बता ही दूंगा। अरे आ वाक्य में अभी कहें के थसे, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। अभी रीते एने साचु वाक्य बनी सके। नंबर तीन, क्या तुम्हें फिर मन में बात थी। आओ इनके वाक्य छे एने आपणे सारी रीते एने शब्दो रे गोठवी अने फरीथी वाक्य बनाईशुं। फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। नंबर चार, प्राण न्योछावर अपने देश के लिए रक्षा के उन्होंने कर दी। अबे आम आपके ने अपने साची रीते हमके गोठवी तो आ रीते बन से उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दे। अबे के प्रश्न नंबर पांच के अंदर कहे छे, वाक्य में से विशेषण छांच कर के भेद लिखिए। भेद यानी प्रकार, विशेषण छांजवन, छांजवन એટલે કે આપણે અંડરલાઈન કરવાની છે કે આ કયા શબ્દને વિશેષણ કહી શકાય। તો નંબર 1, પરિશ્રમી છાત્ર કભી અસફળ નહીં હોતે। ઉસકે પરિશ્રમી શબ્દ હે વો ક્યા હે વિશેષણ હે ઓર ઉસકા પ્રકાર કોણ સા હે તો ગુણવાચક વિશેષણ હે। નંબર 2, અબ્દુલ 20 કિલો આટા લાયા। ઉસકે 20 કિલો શબ્દ હે વો ક્યા હે વિશેષણ હે ઓર વો કોણ સા પ્રકાર હે તો પરિમાણવાચક વિશેષણ। નંબર 3, राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। उसमें भी परिमाणवाचक विशेषण आता है क्योंकि 5 मीटर शब्द है इसीलिए। नंबर 6, नंबर 6, नंबर 5 मिष्टी कोई नंबर 5, तो दीपावली पर हमें बहुत मिठाई खरीदी बहुत तो भी गुणवाचक विशेषण है। नंबर 6, रेशमा के पास 3 किताबें हैं वह भी संख्यावाचक विशेषण है। नंबर 7, कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं कुछ शब्द है इसीलिए हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। नंबर 8, माने चाय से थोड़ा दूध डाला या चाय में थोड़ा दूध डाला इसे थोड़ा शब्द है वह क्या है परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 9, वे लड़के शोर मचा रहे हैं और क्या है सार्वनामिक विशेषण। वे शब्द है इसीलिए नाम के बदले उसका उल्लेख हुआ है इसीलिए हम उसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। नंबर 10, आप किस आदमी को बात कर रहे हैं इसमें किस शब्द है वह भी सार्वनामिक विशेषण है। इस तरह यह उस पाठ का समापन यहाँ पर आप पाठ के